भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। उत्तर कन्नड़ा जिले या नन्ना सहोदरा सहोदरिया, नमस्कार गलो। मुझे बताया गया कि आप लोग हिंदी में ही सुनना चाहते हैं। मुझे बताया गया कि हाँ, ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। आपका क्या आदेश है? जरा पीछे से आवाज आए, क्या आदेश है? उधर आपका क्या आदेश है? उधर आपका क्या आदेश है? देखिए, हम तो आपके सेवक हैं। आप जो हुक्म करोगे हम मानेंगे, और हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है, और इसलिए अब आपने आदेश कर दिया तो हम हिंदी में भाषण करेंगे आपके सामने। मंजूर? शाबाश। अंकोला का एक क्षेत्र, उत्तर कन्नड़ा का एक क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। यहां आस्था के भी अनेक बड़े केंद्र हैं। मैं इन आस्था स्थलों का वंदन करता हूं, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। और अभी प्रहलाद जी बता रहे थे कि 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पहली बार यहां आया है। साथियों, ऐसे बहुत काम है जो मुझे पहली बार ही करने पड़ते हैं। कर्नाटका के इस चुनाव में बीजेपी कर्नाटका को देश का नंबर वन राज्य बनाने के संकल्प के साथ मैदान में है। आप मुझे बताइए, हमें कर्नाटका को नंबर वन बनाना है, नंबर वन बनाना है, नंबर वन बनाना है, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आपका एक वोट बनाएगा। आपके वोट की ताकत है जो कर्नाटका को नंबर वन बना देगी। अगर आपने सही जगह पर वोट डाला, कमल के फूल के बटन को दबाया, तो बीजेपी कर्नाटका को नंबर वन बनाएगी। अभी दो दिन पहले कर्नाटका बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, मैं देख रहा हूं तो उस संकल्प पत्र की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। मैं कर्नाटका बीजेपी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर्नाटका के लोगों का
बीजेपी पर यह आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए मैं पिछले 3-4 दिन से कर्नाटका के अलग अलग स्थान पर जा रहा हूं, करीब करीब सभी दिशाओं में हो आया हूं, और मैं जनता का जो उत्साह देख रहा हूं, किसानों का उत्साह दे रहा हूं, माताओं बहनों का उत्साह दे रहा हूं, नौजवानों का उत्साह देख रहा हूं, चारों तरफ से एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही नारा सुनाई दे रहा है, एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है, चारों तरफ से एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। सहोदर सहोदरिया रे, 2018 के चुनाव के बाद पहले येदुरप्पा जी और फिर बोम्मई जी को यहां डबल इंजन सरकार के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ 3.5 साल ही मिले थे, और 3.5 सालों में शुरू में तो बहुत समय उनका कूड़ा कचरा साफ करने में गया, गड्ढे भरने में गया। डबल इंजन की सरकार ने, कांग्रेस जेडीएस सरकार ने जो कुछ भी नुकसान किया था उसको भरपाई करने में भी उनकी ताकत शुरू में लग गई। सामान्य मानवी का जीवन आसान बनाना हो या फिर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कर्नाटका में नई गति आई है, तेज गति आई है। आज रोड, रेल से लेकर पोर्ट और एयरपोर्ट तक कर्नाटका में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, याद रखोगे? आवाज आए तो पता चले, जरा हाथ भर के बताइए, याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? घर घर जाके लोगों को बताओगे? कांग्रेस जेडीएस सरकार के समय कर्नाटका में सालाना 30,000 करोड़ रुपए का आसपास विदेश से निवेश आता था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30,000 करोड़ के आसपास आता था। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना आता था? कितना आता था? याद रहेगा 30,000 करोड़। डबल इंजन सरकार बनने के बाद भाजपा को आपने मौका दिया, भले हमें 3 साल मिले लेकिन 3 साल में 3 गुना बढ़कर सालाना लगभग 90,000 करोड़ रुपये हो गया। पहले कितना था, अब कितना हुआ? कर्नाटका का भला हुआ कि नहीं हुआ? कर्नाटका का लाभ हुआ कि नहीं हुआ? नौजवानों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार के अवसर बने कि नहीं बने? किसने किया, किसने किया? तो एक काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? कर्नाटका को आगे बढ़ाने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, ये इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार की पहली प्राथमिकता कर्नाटका का विकास है।
बंधु भगिनीयरे, किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा किसी आपदा के समय ही होती है। बीते 3.5 वर्षों में दुनिया पर, देश पर, कर्नाटका पर पिछले 100 साल का सबसे बड़ा संकट आया, याद है ना, कोविड, कोरोना। 100 साल में ऐसी महामारी नहीं आई थी। ऐसी भयंकर महामारी में कर्नाटका को सफलतापूर्वक इस संकट से निकालने का काम किसने किया, किसने किया, किसने किया? अगर बीजेपी न होती तो क्या होता? आपने केरल का भी हाल देखा था और उस समय महाराष्ट्र का भी देखा था। हमने कर्नाटका के हर नागरिक को, हर क्षेत्र को तेज गति से कोरोना का मुफ्त टीका लगवाया, वैक्सीनेशन करवाया। आप सबका वैक्सीनेशन हुआ था कि नहीं हुआ था? हाथ करिए, हुआ था कि नहीं हुआ था? आपको 1 रुपया खर्चा हुआ क्या? किसी ने पैसा मांगा क्या? बीजेपी ने यह भी सुनिश्चित किया कि 100 साल में आए संकट में कोई गरीब भूखा न सोए, गरीब के घर में चूल्हा जलता रहना चाहिए। आज इस देश का हर नागरिक हमें आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तब जो इतना बड़ा संकट आया था, दुनिया के बड़े बड़े महारथी देश अपने देश को संभाल नहीं पा रहे थे, तब दिल्ली में आपका एक ऐसा बेटा बैठा था जो हिंदुस्तान में किसी भी गरीब का, किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं देता था भाइयों। और इसलिए ये माताएं, बहनें, उनके आशीर्वाद मुझे काम करने की ताकत देते थे। मैं अभी मंच पे आ रहा था, 2 माताएं मुझे, बहुत बड़ी आयु की माताएं, वो यहां आकर के मुझे आशीर्वाद दे रही थी, इतना आशीर्वाद दे रही थी, मेरा हृदय भर आया, भावनाओं से भर आया। भाइयों बहनों, हम हर गरीब परिवार को आज भी मुफ्त राशन देते रहते हैं ताकि गरीब के घर में बच्चा भूखा न सो जाए दोस्तों। और इसी के कारण पूरा कर्नाटका कह रहा है, माताएं बहनें कह रही है, नौजवान कह रहा है, गांव का किसान कह रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। स्नेहितरे, इस चुनाव में कांग्रेस कैसे वोट मांग रही है, क्या कह रही है? कांग्रेस कह रही है हमारे नेता रिटायर हो रहे हैं, जाते जाते वोट दे दीजिए। बताइए, कोई रिटायरमेंट के लिए वोट मांगता है क्या? भाई रिटायरमेंट हो रहा है इसलिए वोट दे दो, ऐसा कोई कहता है क्या? अरे भाई, आप रिटायर हो न हो, आपको भगवान बहुत शक्ति दे, लेकिन कुछ जनता के लिए तो वोट मांगो, जनता के काम के लिए तो वोट मांगो। मेरा आखिरी चुनाव है, मैं रिटायर हो रहा हूं, बस जाते जाते कुछ दे दो। और दूसरा क्या, वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो।
जिसको मर्जी पड़े वो गाली दे रहा है। क्या कर्नाटका में कोई भी गाली संस्कृति को स्वीकार करता है क्या? कोई किसी को गाली बोले वो पसंद करता है क्या? छोटे व्यक्ति को भी कोई गाली बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? क्या कर्नाटक गाली देने वालों को कभी माफ करता है क्या? कभी करता है क्या? इस बार क्या करोगे? क्या करोगे? सजा करोगे? गाली देने वालों को सजा करोगे? बराबर जम करके सजा करोगे? जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंगबली बोल करके सजा दे देना इनको। पक्का दोगे ना? देखिए भाइयों, बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, कर्नाटका को नंबर वन राज्य बनाने का, और उसके लिए हमारे पास रोड मैप है, योजना है, दृष्टि है, मेहनत करने की तैयारी है। कांग्रेस अपने दशकों के कुशासन से जन विश्वास खो चुकी है, और इसलिए झूठे आरोप और झूठी गारंटी, यही कांग्रेस का एकमात्र सहारा बचा है। जबकि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने, याद करिए, कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पब्लिकली कहा था, और बाद में कभी डिनाई भी नहीं किया, कांग्रेस के किसी नेता ने भी डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा था, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने बोली हुई बात बताता हूं मैं, उन्होंने कहा था, दिल्ली से हम एक रुपया भेजते हैं तो गांव में जाते जाते वो 15 पैसा हो जाता है, 100 पैसे भेजते हैं 85 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? एक रुपया भेजते हैं 85 पैसे गायब हो जाते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसे खा लेता था? भाइयों बहनों, ये 85%, ये देखिए इनका खेल, 85% कमीशन वाली कांग्रेस। आज भी कांग्रेस की यही स्थिति है, वो कर्नाटका की हर योजना में 85% कमीशन खाने को तैयार बैठी है। सहोदर सहोदरिये रे, बीजेपी का हमारे संकल्प रहा है, नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट, और कांग्रेस का हमेशा मकसद रहा है करप्शन फर्स्ट। कांग्रेस के शाही परिवार ने कई दशक तक देश पर शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश के विकास के बजाय सारा ध्यान अपने विकास पर लगाया। कांग्रेस ने देश में ऐसा सिस्टम विकसित किया कि इसकी तिजोरी हमेशा काली कमाई से भरी रहे, और इसके लिए कांग्रेस ने कागजों पर ऐसे करोड़ों लोग तैयार किए जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। मैं समझा पा रहा हूं आपको? कांग्रेस में अगर कोई विधवा पेंशन है तो ऐसे व्यक्ति को विधवा पेंशन मिलता था जो बच्ची पैदा नहीं हुई, जिसकी शादी नहीं हुई, और वो विधवा हो गई और कांग्रेस के खजाने से पैसा जा रहा है सरकार का। मैं आज देश को, कर्नाटका के लोगों को, कांग्रेस के इस नकली बारे में भी बताना चाहता हूं। इस नकली नाम घोटाले का बहुत बड़ा नुकसान
कर्नाटका के लोगों को भी हुआ है। बंधु भगिनी रे, कांग्रेस ने सरकारों के कागजों में ऐसे करोड़ों नकली लोगों के नाम डाल दिए जो कभी जन्मे ही नहीं थे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे लोगों के नाम डाल दिए और इन नकली नामों की संख्या कितनी है आपको चौंक जाएंगे। पूरे देश भर में जो नकली नामों की संख्या है वो कर्नाटका की कुल आबादी से भी ज्यादा है, कर्नाटका की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा है। उनके नाम पर हर योजना के पैसे जाते थे, इन नकली नामों पर पैसे भेजे गए और ये पैसा जाता था कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों की काली तिजोरी में। कांग्रेस सरकार के दौरान, याद रखोगे आंकड़े फिर से, याद रखोगे क्या हो जाता है आप लोगों को, गर्मी बहुत है, आंकड़ा याद रखोगे, एक एक आंकड़ा मैं बुलवाऊंगा बोलोगे। 4,20,00,000 नकली नामों को उन्होंने राशन दिया। कितने कितने? दूसरा, 4,00,00,000 नकली नामों को उन्होंने गैस की सब्सिडी दी। कितनी? तीसरा, कांग्रेस सरकार के दौरान 1,00,00,000 नकली नामों को महिला कल्याण के नाम पर पैसा भेजा। कितना कितना? कांग्रेस सरकार के दौरान 30,00,000 नकली नामों को, नकली विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भेजी जा रही थी। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? कांग्रेस ने देश के कोने कोने में करीब करीब 10,00,00,000 नकली नाम सरकारी कागजों में डलवा दिए थे। और मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, 10,00,00,000 नकली नाम वाले लोग कभी भी, उनका जन्म ही नहीं हुआ, पैसे जाते थे। ये कहां जाते होंगे भाई बताओ, कहां जाते होंगे ये पैसे, कहां जाते होंगे, कहां जाते होंगे? साल दर साल इन नकली नामों के नाम पर कांग्रेस की सरकारें पैसा भेज रही थी, राशन भेज रही थी, और ये जा रहा था कांग्रेस के टॉप से बॉटम तक भ्रष्ट नेताओं की जेब में। सरकार किसी की भी हो, लेकिन कांग्रेस का ये सिस्टम बना रहता था। आप जानते हैं ये कांग्रेस के लोग मोदी पे इतना गुस्सा क्यों करते हैं मालूम है? क्यों करते हैं ये कांग्रेस के लोग इतना नाराज क्यों है मालूम है? इतनी गाली गलौज क्यों करते हैं पता है? इसका कारण है क्योंकि मैंने इनके बने बनाए जो भ्रष्ट सिस्टम था ना, उसी को कुचल दिया है। बीते 9 साल में मैंने कांग्रेस ने नकली नाम घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है। गरीब का हक छीन रहे इन 10,00,00,000 नकली नामों को हमारी सरकार ने गरीब के हक के रास्ते से हटा दिया है। आज गरीब को, देश के नागरिक को, देश के नौजवान को उसका हक मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है। ऐसा करके बीजेपी सरकार ने गरीब के, आंकड़ा याद रखना, बोलू ना आंकड़ा बोलू, याद रखोगे? हमने जो कदम उठाए उसके कारण इस देश के नागरिकों के हक के, गरीबों के हक के, किसानों के हक के, महिलाओं के हक के, नौजवानों के हक के,
3,00,000,000,000 रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। कितने? 3,00,00,000,000,000 कितने? 3,00,00,000,000,000 कितने? इतनी बड़ी चोरी भाइयों बहनों, फिर ये मोदी को गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देंगे कि नहीं देंगे? भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार गरीब की सेवा की भावना से काम करती है, गरीब का जीवन आसान बने, उसे नए अवसर मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी सरकार में उत्तर कन्नड़ा जिले के 10,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिलना तय हुआ। बीजेपी सरकार में इसी जिले के 1,50,000 परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुंची है। बीजेपी सरकार में इस जिले के 5,00,000 से अधिक साथियों को जनधन बैंक अकाउंट खुला है। बीजेपी सरकार में इस जिले के लगभग 5,00,000 लोगों को दुर्घटना और जीवन बीमा का सुरक्षा कवच मिला है। ये मैं सिर्फ एक जिले के आंकड़े बता रहा हूं जी, ये लोग पूरे देश के आंकड़े इनके पास इतने नहीं होंगे जी। ये काम हम करते हैं जी, बंधु भगिनी रहे, बीजेपी सरकार की योजनाओं के बड़े लाभार्थी हमारे मछुआरे साथी भी है, हमारे फिशरमैन, हमारे आदिवासी समाज है, एसटी। ये बीजेपी सरकार है जिसने पहली बार मछुआरों के लिए, फिशरमैन के लिए अलग मंत्रालय बनाया। मुझे बताइए भाई, ये मोदी की सरकार बनने के बाद ये सी आया, दरिया भी आया, समंदर पहले था कि नहीं था? मोदी आने के पहले समुद्र था कि नहीं था? कोस्टलाइन था कि नहीं था? फिशरमैन थे कि नहीं थे? फिशिंग का काम होता था कि नहीं होता था? लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार को दिखता नहीं था, ये मोदी को दिखता है। और इसलिए आजादी के इतने सालों के बाद पहली बार फिशरमैन के लिए हमने अलग मिनिस्ट्री बनाई, अलग मिनिस्टर बनाया, अलग बजट लगाया, अलग अफसर लगाए, ताकि कोस्टल एरिया का विकास हो, फिशरमैन की प्रगति हो, वहां सुविधाएं बढ़े, फिशरमैन ताकतवर बने। और इतना ही नहीं, हमारे देश में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से कम पैसों में बैंक से ब्याज, बहुत कम ब्याज से पैसा मिलता है। मैंने कहा जो फायदा किसान को मिलता है वो मेरे फिशरमैन को भी मिलेगा, और फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड दिया, बहुत ही मामूली बात से उसको पैसा मिलने लगा। बीजेपी सरकार ने पहली बार डीप सी फिशिंग के लिए, नावों के आधुनिकरण के लिए भी 1,000,000,000,000 रुपए की मदद की। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरों के विकास के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना जैसी राष्ट्रीय योजना बनाई है। स्नेहितर, इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में भी मत्स्य संपदा और कोस्टल बेल्ट की सुरक्षा समृद्धि पर बहुत बल दिया गया है। फिशरीज डिपार्टमेंट का बजट पिछले साल की तुलना में करीब 40% बढ़ाया गया है। छोटे मछुआरों की ताकत बढ़े, इसके लिए पंचायत स्तर पर मत्स्य कोऑपरेटिव पर बल दिया जा रहा है। मछली के एक्सपोर्ट के लिए, आधुनिक सुविधाओं के लिए भी विशेष सुविधाओं के निर्माण पर हमारा फोकस है। बीजेपी की प्राथमिकता मछुआरों की आय बढ़ाना है, उनको सुरक्षा और सुविधा देना है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी हमारे किसान भाई बहनों को यहां बहुत मदद मिली है। इस जिले के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 400 करोड़ रुपया इस जिले में दिल्ली से आया है और सीधा उनके बैंक खाते में आया है। कोई कटकी कंपनी नहीं,
कोई 85% कमीशन नहीं, सीधा एक रुपया भेजा 100 पैसा उसके खाते में पहुंचा, ये काम हमने किया है। सहोदर सहोदरिय रहे, कांग्रेस के झूठे आश्वासनों का सबसे बड़ा हित हमारे शेड्यूल ट्राइब हमारे आदिवासी समाज का भी हुआ है। कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया और आदिवासी क्षेत्रों को सुविधाओं से वंचित रखा। देश के अनेक आदिवासी गांवों में सड़क बिजली पानी सुविधा 9 वर्ष में पिछले मेरे आने के बाद पहुंची है। ये अटल जी की सरकार थी जिसने पहली बार इस देश में आदिवासियों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई थी। कांग्रेस सरकार के तुलना में इस वर्ष आदिवासी विकास के लिए बजट करीब करीब 5 गुना हो चुका है, 5 गुना। बंधु भगिने रहे, कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान आदिवासी नेतृत्व को भी आगे नहीं आने दिया। जब देश ने पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनने की भावना सामने रखी तो कांग्रेस ने उसका भी विरोध किया। और कांग्रेस का ही विरोध इसलिए नहीं था कि वो बीजेपी की उम्मीदवार थी इसलिए विरोध करे, वो तो मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस ने ये इसलिए विरोध नहीं किया कि आदिवासी महिला वो बीजेपी की कैंडिडेट थी। उनको अगर बीजेपी का विरोध होता तो फिर बीजेपी के ही एक नेता को उन्होंने राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया भाई? ये साफ साफ बताता है कि कांग्रेस का ये विरोध गरीब घर से आई हुई एक हमारी आदिवासी बहन के खिलाफ था। इसलिए आज पूरे देश में आदिवासी समाज कांग्रेस को सबक सिखाने का संकल्प करके बैठा है। कांग्रेस के खिलाफ ये गुस्सा साफ साफ दिख रहा है। स्नेहितरे, यहां के यक्षगाना में इस क्षेत्र की ऊर्जा, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि साफ साफ झलकती है। मुझे संतोष है कि यहां की पहचान को, यहां जनजातीय लोक संस्कृति को संरक्षित करने वालों को प्रोत्साहित करने का अवसर हमें मिला है। हालक की स्वर कोकिला सुक्री बोम्बा गौड़ा जी हो या फिर पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा जी, इनको बीजेपी सरकार ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके अपना मान बढ़ाया है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसे सच्चे हकदारों को बहुत कम ही सम्मान होता था। आज जब कर्नाटका की धरती की ऐसी महान संतानें राष्ट्रपति भवन पहुंचती है तो पूरा देश गर्व से भर जाता है। बीजेपी सरकार ने सिरसी सुपारी को भी जीआई टैग दिलाया है। ये वोकल फॉर लोकल के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सहोदर सहोदरी, अब कर्नाटका तेज विकास की पटरी पर चल चुका है, अब इसमें कांग्रेस का रिवर्स गियर नहीं लगना चाहिए। 10 मई तक आपको लगातार जुटे रहना है और एक बात घर घर पहुंचानी है, ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकारा। इस संकल्प को सशक्त करना है, करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ करोगे, पूरी ताकत से बताओ करोगे, घर घर जाओगे, मतदाताओं को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, पूरी ताकत से कराओगे। अच्छा, मेरा एक काम करोगे, आप ठंडे पड़ गए, मेरा काम करोगे, जरा जोर से बोलो करोगे, मेरा पर्सनल काम है करोगे, ये मोदी का पर्सनल काम है करना पड़ेगा करोगे। अच्छा, अगर आप करने वाले हैं तो जरा अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करो, जरा
मैं देखो किस कोने से आवाज लाइट दिखती है, सब दूर दिखाइए मुझे। आप अपने अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू करिए, मेरा काम करोगे करोगे? मैं काम बताऊं, मैं आपको काम बताऊं, काम बताऊं आपको? देखिए, घर घर जाना है, जाकर के मतदाताओं को हाथ जोड़ करके कहना था कि मोदी जी अंकोला आए थे, क्या कहोगे? और मोदी जी अंकोला आकर के आपको उन्होंने प्रणाम भेजा है, नमस्कार कहा है, इतना मेरा संदेश था। घर घर बता दोगे? पक्का बता दोगे? जब घर घर जाकर के आप ये मेरा संदेश देंगे तो सब माताएं बहनें बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देंगे, उससे मुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी, और उससे मैं और ताकत से आपकी सेवा करूंगा, कर्नाटका को नंबर वन बना के रहूंगा। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद।